हेलो एवरीवन, दिस इज ब्रदर शाह राजपूत। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू यार। ये गणतंत्र दिवस यार आपको और आपके परिवार को यार बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो यार सबसे पहले यार जो आज मैं आपको टॉपिक लेने वाला हूँ यार, वो जनरली यार मैं जो एजुकेशन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और यार ये मतलब मेरी जिस मतलब जो ना ही मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ मतलब सोशल मीडिया पे, और ना ही यार मेरी कोई ऐसी एज जो मैं आपको बता पाऊँ लेकिन मतलब इंस्ट्रक्शन दे पाऊँ, लेकिन यार एज अ इंडियन मुझे ये आपको बतानी पड़ेगी। और हाँ, अगर यार आप एक इंडियन हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यार। एज ए इंडियन थोड़ी देर तक यार इस वीडियो को देखना, समझना क्या क्या कहने वाला हूं। यार आने वाले कुछ समय में हमारा जो इंडिया है यार एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल कंट्री बनने वाला है। मतलब 2030-35 तक ये इंडिया यार एक ऐसी ग्लोबल कंट्री बनेगा यार, मतलब जहां हम सोचते थे इसकी सोने की चिड़िया यार कभी हमारे देश का मतलब था, तो वो यार वापस आ जाएगा। यस गाइस, और ये मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंट्री मतलब चाइना और मतलब और बहुत बड़ी जो भी कंट्री यार इन सबको बीट कर जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ट्राई करने पड़ेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने पड़ेगा, अपना प्राइवेट सेक्टर बढ़ाना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर बढ़ाने पड़ेगा, जो कि हमारे लिए बढ़ा सकते हैं, बस एफर्ट्स की जरूरत है। बट आई डोंट नो व्हाट इज द मेंटेलिटी बिहाइंड इट कि मतलब लोग जब भी हम बात करते हैं यार एफर्ट्स की अपने देश के लिए, तब भी यार यही बात करते हैं हम सब मिलकर, मतलब जितने भी लोग हैं हम सब, जैसे कि मैं हूं तो यार मैं सोचूंगा कि हम सब मिलकर यार अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, एक एफर्ट डालेंगे। लेकिन चलो मैंने आपकी एक बात सही करी, लेकिन एक क्वेश्चन है आपसे। अगर आपके घर पर एक ऑडी खड़ी है, या फिर आप मैं बताऊं 2 या 3 करोड़ रुपए पड़े हैं यार आपके घर पर, अगर आपसे कहूं वो किसके हैं तो आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे वो पर्सनल मेरे हैं, मैं उसकी रक्षा करने वाला हूं। तो अगर आप देश की रक्षा करने के लिए मतलब देश के प्रॉफिट के लिए, देश के लिए, देश भी यार एक घर ही है, एक कोई भी आपकी एक प्रॉपर्टी है, अगर आप उसकी बात करो तो आप ये हमेशा क्यों कहते हैं कि नहीं ये हम सब करेंगे? मतलब अगर देश की ग्रोथ की बात करें तो हम सबको क्यों ले आते हैं, हम अपना स्टैंड सबसे पहले क्यों नहीं ला पाते? अगर हम मैं उन पैसों की या उस गाड़ी की बात करें तो आप ये कहोगे नहीं ये मेरी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसका ख्याल रखूंगा, तो देश के लिए हम ऐसा क्यों नहीं कह पाते? ठीक है, तो यार अभी यार मैं एक बात आपको बताऊं कि कुछ मतलब 2 साल पहले यार 2 अक्टूबर को हाँ स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ था। तो यार जब भी हम बात करते थे स्वच्छ भारत अभियान की तो बहुत सारे लोग हम ये जब मतलब स्टार्ट हुआ था सबने ये सोचा था कि हम सब मिलकर इसे साफ करेंगे, हाँ ये सब मिलकर ही साफ होगा, लेकिन सबसे पहले हम स्टैंड अपना क्यों नहीं लें? हम सब में कंक्लूड करते थे मतलब उन्हें मतलब जोड़ते थे, उसमें सिर्फ कुछ लोग जो यार वो नौकरी करते हैं सिर्फ उन्हें ही जोड़कर देखते थे कि हम सब लोग उसे साफ करने वाले हैं। अगर हम अपना स्टैंड लेते मतलब ज्यादा नहीं बस अपने घर की, और अपने घर के यार सामने कुछ जगह पड़ी है तो हम उसे साफ कर देते, तो आज यार अपना देश की यार बहुत सारी मतलब जो आज है हमारे देश की यार स्थिति मतलब थोड़ा बहुत साफ हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और भी हम ज्यादा बेहतर कर सकते थे। तो हम अपना स्टैंड क्यों नहीं लेके आ पाते, ये बात मुझे यार आपसे क्वेश्चनिंग करनी है। लोगों के लिए यार जब भी एफर्ट्स या जिम्मेदारी की यार कंट्री की बात चलती है तो यार वो हमेशा सिर्फ हम अपने ऊपर अपना स्टैंड नहीं लेके आ पाते, मतलब ये मुझे बात समझ में ही नहीं आ पाती। मतलब अब यार कोरोना हुआ था, कोरोना की वजह से यार लॉकडाउन लगा था, लोग क्वारंटाइन हुए थे, इसमें कोई बात नहीं है, और हाँ सब क्वारंटाइन हुए थे, सब सोचते थे हम सब क्वारंटाइन हो जाएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं मोस्ट ऑफ द पीपल इस क्वारंटाइन सिस्टम में भी अपने घर से बाहर निकल रहे थे। जब भी देखते थे यार मतलब सिक्योरिटी नहीं है कुछ भी चीज, मतलब अगर उन्हें दिखता था कि हाँ पुलिस नहीं है, इधर कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम बाहर निकल जाते थे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे बाकी सब तो अपने घर में है, और ये मोस्ट ऑफ द पीपल यही सोच के कि बाकी सब घर में है हम बाहर निकल आ सकते हैं, हमारे लिए सेफ्टी है। बताइए मतलब हम अपने देश के लिए, ये काम एक्चुअली देश के लिए हो रहा था ना, देश की ग्रोथ होगी तो आपकी ग्रोथ होगी इनडायरेक्टली, कभी भी सिर्फ देश की ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं है कि देश ग्रो कर जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाओगे, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। आप तब भी देश के हमेशा सबके साथ को क्यों लेके चलते हो? आप हमेशा ये क्यों नहीं सोचते कि हाँ मैं हूं, मैं पर्सनल स्टैंड लूंगा? बाकी सबको आप तभी कह सकते हो जब आप पर्सनल स्टैंड ले सकते हो। ठीक है, मतलब आपने एक बात सुनी होगी कि दूसरों को कहने से पहले अपना गिलेवान जहक लेना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप ये सोचते हो कि सब मेरे साथ चलेंगे तो सबको, अगर किसी ने भी आज खड़े होकर पूछ लिया कि हम आपकी बात क्यों सुने, आपने ऐसा क्या करा है जो हम आपकी बात सुने, तो बताइए आप क्या कर सकते हो? तो सबसे पहले अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। यार मैंने अभी आपको बताया कि यार जो इंडिया है एक ग्लोबल कंट्री बनने वाला है, और हाँ ये अमेरिका जैसे पावरफुल, जो यार इस समय का मोस्ट पावरफुल कंट्री है यार इन द वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल कंट्री है, उसे बीट कर जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ यूथ की वजह से हो सकता है। यूथ हमारे जो इंडिया का आने वाला यूथ है आने वाले 5 या 6 साल में बहुत मतलब एक बहुत ही अच्छा होने वाला है,
और इसी की वजह से यार जो हमारा अमेरिका है, अमेरिका का यूथ फिलहाल आने वाले 5 या 10 साल में कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो हमारा इंडिया यार ग्रो करेगा बहुत अच्छी तरीके से। और यही बात यार एक बहुत अच्छे यार यूट्यूबर है अमन धत्रवाल भैया, ठीक है, अमन धत्रवाल यार इन्हें तो जानते ही होंगे, तो उन्होंने भी अपनी वीडियो में बताया कि अगर इंडिया का यूथ सही डायरेक्शन में काम लग जाए, मतलब सर्विस सेक्टर में काम हमारा बढ़ जाए, तो इंडिया एक ऐसी पावरफुल कंट्री बनेगा जो आने वाले कई साल तक यार उसे कोई बीट नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए एफर्ट डालेंगे, लेकिन एफर्ट हाँ ये कभी नहीं कहोगे कि हम सब एफर्ट डालेंगे, आप सबसे पहले कहोगे मैं एफर्ट डालूंगा, मैं अपने देश के लिए कुछ करके आऊंगा, तब आप ये कह सकते हो कि मैं हाँ पीछे के दो दो पर्सन है उनसे कहूं कि यार तुम भी डाल दो एफर्ट। आप सबको साथ लेके तभी चल सकते हो जब आप खुद अकेले चलने की ताकत रखते हो। ये यार एक स्टेटमेंट रख लीजिए कि आप सबको साथ लेके तभी चल सकते हो जब आप अकेले किसी पार्क पे चलने का दम रखते हो, या फिर कहते हैं कि मतलब पावर रखते हो। ओके, तो यार मेन मोटिव मेरा यही था कि जब भी आप देश की बात करो, रिपब्लिक डे है, तो आज से यार ये प्रण ले लो कि आज से जब भी आप आगे जाओगे, मतलब किसी भी देश के, मतलब अपने देश के लिए कोई भी काम करोगे, तो यही काम, तो सबसे पहले आप अपना स्टैंड लोगे, अपना काम मतलब अपना पूरा कंट्रीब्यूट करोगे इंडिया के लिए, और आपको देख के पीछे यार बहुत पूरे इंडिया लग जाएगा अगर आप किसी भी एक डायरेक्शन में काम करने वाले हो। मोस्ट ऑफ द लीडर आपने देखे होंगे, लीडर कभी भी ये नहीं सोचते पहले सारी पब्लिक आएगी मेरे पीछे तब मैं आगे बढ़ूंगा, वो खुद आगे बढ़ते हैं, पब्लिक खुद ब खुद पीछे आ जाती है, वो खुद आगे बढ़ते हैं, पब्लिक खुद ब खुद पीछे आ जाती है। तो यही बात मैं आपको बताऊंगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, ये देश मेरा है किसी के बाप का नहीं है, तो ये काम मैं है करूंगा, मतलब इस देश की रक्षा मैं करूंगा, इस देश को ग्रोथ में मैं लगाऊंगा, कोई और नहीं करेगा, ये सोच के अगर आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली यार जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं 2030 या 35 वो शायद 2025 हो जाए, 2025 तक हमारा देश शायद कंट्रीब्यूट कर जाए। तो यार मेन मोटिव मेरा खत्म हो चुका है कि हाँ जब भी आप अपने देश के लिए कुछ करोगे तो पर्सनल स्टैंड लोगे। तो यार ये एज अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो लगी हो तो यार प्लीज इस देश के लिए कुछ करो, आगे बढ़ो, ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।